सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फॉर विन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो से अपडेट रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान से रिलेटेड 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग थोड़ा सा भी मुझ पर विश्वास कर रहे हो, आप लोग इतने दिन से वीडियोस देख रहे हैं और आप लोग अगर थोड़ा सा भी मुझ पर विश्वास हो तो यकीन मानिए इनसे एक क्वेश्चन तो ज़रूर आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। इन 30 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है और हो सकता है दो भी आ जाएं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो तो आपको पसंद आएगा ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो वीडियो पसंद आने पर आपको क्या करना है, लाइक करना है, क्योंकि वीडियो पसंद आ जाए तो ऐसा नहीं है कि आप लाइक करना भूल जाएं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो लाइक भी कीजिएगा और इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है तो फिर आपकी एक ड्यूटी भी बनती है कि आपको इसको शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग परीक्षा में पास हो सकें। तो फ्रेंड्स, इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, कार्य का मात्रक क्या होता है या कार्य का मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लास्क का। यानी कि इससे आपको लग रहा होगा कि जो मात्रक हैं वो आपको ज़रूर याद करके जाने हैं, मात्रक जरूर किसी ना किसी के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। जो क्यूरी है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है, यानी जो रेडियो एक्टिविटी है वो क्यूरीज में मेजर की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आंसर है द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से क्या द्रव्यमान याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का जो तृतीय नियम है उनकी तृतीय नियम के कारण ही जो जल में तैरती है वस्तु या जल में किसी वस्तु का तैरना होता है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की कार्य प्रणाली संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? विश्राम जड़त्व। यानी कि क्या होता है कि पहले घोड़ा खड़ा होता है और अगर वो अचानक से चलने लगे तो क्या होता है कि जो अश्वारोही यानी कि जो घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके गिरने की संभावना होती है, क्योंकि उसको क्या होता है, झटका लगता है। तो उसका क्या कारण है? विश्राम जड़त्व। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि पहले क्या था, विश्राम की अवस्था थी और अचानक से वो गति की अवस्था में आया तो उस वजह से क्या होता है कि धक्का लगता है और गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका आंसर है विश्राम जड़त्व। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम होता है, यानी कि जो उसमें धूल के कण होते हैं वो उससे अलग होने लगते हैं। तो इसमें गति का कौन सा नियम लगता है? गति का पहला नियम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो है वो ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा। जो प्रकाश वोल्टीय सेल होती है तो सौर ऊर्जा में जब वो रूपांतरित की जाती है तो कौन सी ऊर्जा मतलब निकलती है? प्रकाशीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किसके कारण अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल। आप लोगों ने पढ़े होंगे बल दो प्रकार के, अभिकेंद्री और अपकेंद्री। तो यहाँ पर जो दूध से क्रीम निकाली जाती है वो किस बल के कारण होती है? अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो जेट इंजन है आपका वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि जो रॉकेट है वो सिर्फ संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अगला है आपका, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है?
36,000 किलोमीटर, जो कोई भी उपग्रह होता है उससे पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6। अगला है आपका, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद का आकार जो होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे टुकड़े, आपने देखा होगा जब छोटे छोटे टुकड़ों को जल पर डाल दिया जाता है तो उसकी सतह पर वो मूवमेंट करने लगते हैं, तो वो भी उसका भी कारण क्या है आपका? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई जो है डूब जाती है लेकिन जहाज जो है वो तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई भी वस्तु है अगर वो अपने भार के बराबर जल को हटा देगी, विस्थापित कर देगी, तो क्या होगी? वो तैरती रहेगी। लेकिन अगर अपने भार के बराबर वो जल को विस्थापित नहीं कर पाएगी तो वो डूब जाएगी। तो वही केस यहां पर लग रहा है कि जो लोहे की सुई होती है वो छोटी सी होती है और वो अपने भार के बराबर जल विस्थापित नहीं कर पाती है और पानी में डूब जाती है, लेकिन जो जहाज होता है वो अपने भार के बराबर जल विस्थापित कर देता है और पानी में तैरता रहता है। ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के जो नियम दिए हैं वो न्यूटन ने दिए हैं, ये सभी को पता है। कौन सा 1 किलो द्रव्यमान के पिंड प्रकारशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, टेट में भी पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। यदि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैर रही है तो इसका मतलब है वो किस वजह से तैर रही है? वो तैर रही है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गेंद को क्षितिज से कितने कोण पर फेंकें कि ये अधिकतम क्षितिज दूरी तय कर सके, यानी कि कितने कोण पर इसको फेंका जाए, क्या एंगल बनाते हुए एक बॉल को फेंका जाए कि वो अधिकतम क्षितिज दूरी तय करे? तो 45 डिग्री पर अगर उसको फेंका जाएगा तो वो सबसे ज्यादा क्षितिज दूरी तय करेगी। अगला क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही ये बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। जो ब्रह्मगुप्त थे ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक भी थे, इन्होंने न्यूटन से पहले ही ये चीज बता दी थी कि जो वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं और वो आकर्षण है गुरुत्वाकर्षण, तो ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि वो अधिकतम दूरी पर जाए? तो अभी हमने बात की थी कि कोई भी गेंद हो, क्रिकेट की गेंद हो, सिंपल गेंद हो, अगर अधिकतम क्षैतिज दूरी की बात हो रही है, अधिकतम दूरी की बात की जा रही है, तो बिल्कुल इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आंसर इज 45 डिग्री। 45 डिग्री के कोण पर आप अगर उसको फेंकेंगे तो ये अधिकतम दूरी अपनी प्राप्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रनफोर्ट ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। और आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है इस कारण। जब भी हम वाष्प इंजन में जो जल उबल रहा है उसका जो तापमान है वो उसके अंदर के हाई प्रेशर के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के सामने इस वीडियो को, इस क्वेश्चंस को रखा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ये टॉपिक आपका यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Choke you down.